आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रुप थ्योरी पर बेस्ड कुछ और प्रॉब्लम्स के बारे में, जिसमें मैं लिया हूँ csir नेट से पूछे गए कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में। इस वीडियो पर हम बात करेंगे कैरेक्टर टेबल बेस्ड प्रॉब्लम, जिसमें हम कुछ कैरेक्टर टेबल मिसिंग दिया हो गया है, उसको कैसे फाइंड आउट करना है, इस प्रॉब्लम के बारे में बेस्ड रहेगा ये वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम्स ऑल ऑफ यू टू माई यूट्यूब चैनल योगेश केमिस्ट्री। माई सेल्फ योगेश साहू। सो लेट्स स्टार्ट। तो इसमें पहला एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये दिया हुआ है फॉर अ पॉइंट ग्रुप एन इनकम्प्लीट कैरेक्टर टेबल गिवन बिलो विथ वन इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेबल मिसिंग। और उसी इरिड्यूसिबल मिसिंग को अपने को फाइंड आउट करना है। द मुलिकन सिंबल एंड कैरेक्टर टेबल ऑफ मिसिंग रिप्रेजेंटेशन आर। तो ये क्या होगा इसके बारे में अपने को डिटरमाइन करना है। ठीक, तो मुलिकन सिंबल भी बताना है और मिसिंग जो कैरेक्टर टेबल कैरेक्टर है उसको फाइंड आउट करना है। और इसके लिए चार ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा, ये चार ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक, तो कैसे इसको फाइंड आउट करना है, बहुत ईजी है। बस थोड़ा सा रूल आपको पता होना चाहिए, जो कि मैं पिछले वीडियो पर बात कर चुका हूँ टॉपिक वाइज जब बात कर रहा था, तो हार्डली ये एक मिनट में बन जाता है ये। तो कैसे निकालना है इसको, कैसे अपने को डिटरमाइन करना है देखते हैं। तो रूल नंबर फर्स्ट क्या बोलता है, इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन स्पीसीज इज इक्वल टू क्लास। क्या होता है, जो इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन स्पीसीज होते हैं वो क्लास के बराबर होते हैं। क्लास मतलब क्या है, जितना भी ऑपरेशन है अलग अलग टाइप के उसको हम क्लास बोलते हैं। जैसे कि ई सी थ्री सी वन भी, यहाँ पर जो कैरेक्टर टेबल में दिया वहाँ से ले रहा हूँ। तो यहाँ पर तीन क्लास है, मतलब यहाँ पर तीन इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन होंगे, जो कि है यहाँ पर एक को मिसिंग किया है, दो अपने को दिया हुआ है। ठीक, रूल नंबर टू बोलता है वैल्यू ऑफ ई आइडेंटिटी, आइडेंटिटी के बारे में बात कर रहा हूँ, वैल्यू ऑफ ई आइडेंटिटी जो कि कॉलम, मतलब ये खड़ी लाइन जो होता है उसके बारे में बात कर रहा हूँ, एडिशंस ऑफ स्क्वायर ऑफ करेक्टर, जो उसमें करेक्टर्स होंगे उसके एडिशंस के बारे में बात करते हैं। तो एडिशंस ऑफ स्क्वायर ऑफ करेक्टर इज इक्वल टू ऑर्डर, जितना ऑर्डर होंगे उतने के बराबर होगा। करेक्टर का स्क्वायर करना है, फिर उसको उसका योग लेना है, सम करना है, तो वो ऑर्डर के बराबर आता है। यहाँ पर ऑर्डर क्या दिया हुआ है, तो ऑर्डर चेक कर लेते हैं। तो देखिए, आप ऑपरेशन के सामने जो भी वैल्यू लिखा रहता है उसी का योग आपको ऑर्डर के बारे में बताएगा। जैसे ई सी सी थ्री और सिग्मा भी, ई के सामने में कुछ नहीं, मतलब एक मान लेंगे हम, सी थ्री के सामने में दो लिखा हुआ है तो ये दो हो जाएगा, और सिग्मा भी से ये थ्री है, तो टोटल योग करेंगे तो क्या होगा, वन वन प्लस टू प्लस थ्री, टोटल इज इक्वल टू सिक्स। तो यहाँ पर इसके लिए, इस प्रॉब्लम के लिए ऑर्डर कितना है, सिक्स है। मतलब हम आइडेंटिटी वाले कॉलम का जो भी करेक्टर है उसका स्क्वायर का योग करेंगे तो कितना आना चाहिए, सिक्स आना चाहिए। तीसरा रूल इसमें क्या बोलता है, ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी। ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी आपको पता ही होगा, दो जो दो वेव फंक्शन होता है उसका क्या होना चाहिए, इंटीग्रेशन का इज इक्वल टू जीरो आना चाहिए। मतलब ये जब इसका दोनों का प्रोडक्ट निकालते हैं तो ये किसके बराबर आना चाहिए, जीरो के बराबर आना चाहिए। तीन कैरेक्टर यहाँ पर है, तो एक ए वन है, एक आपको मिसिंग दिया हुआ है जिसको मैं लेमडा ले लिया हूँ यहाँ पर, और लेमडा इंटू ई, ये तीन कैरेक्टर यहाँ पर है। तो तीनों कैरेक्टर दो का आपस में प्रोडक्ट लेते हैं तो किसके बराबर आना चाहिए, जीरो के बराबर आना चाहिए। ये थ्री रूल है, बस इसी से अपने को प्रॉब्लम सॉल्व कर लेना है। मैं रूल नंबर टू से चलता हूँ। रूल नंबर टू में हम जो बोले थे, आइडेंटिटी वाले कॉलम के करेक्टर का स्क्वायर का योग सिक्स आना चाहिए, ऑर्डर के बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पर कैरेक्टर टेबल एक बार और देख लीजिए आप, फिर सॉल्व करते हैं। तो आइडेंटिटी वाले कॉलम में देखिए आप, ए वन के सामने क्या है, ए वन के सामने एक है और ई के सामने में दो है, आइडेंटिटी कॉलम है। ठीक, और इसी को हम फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक, तो इसको फाइंड आउट कर रहे हैं जो मिसिंग है बीच में उसको। ठीक, तो उसके लिए मैं उसको क्या मान लिया हूँ, इसको मैं मान लिया हूँ एक्स मान लिया हूँ, ये इसको एक्स, ये हो गया वाई और ये हो गया जेड, एक्स वाई जेड मान के चल रहा हूँ। तो मैं पहले एक्स को फाइंड आउट कर रहा हूँ। तो एक्स को फाइंड आउट करने के लिए क्या कर रहे हैं, पहले रूल नंबर टू से हम देख रहे हैं। तो ए के लिए क्या है, एक है और ई के लिए दो है, तो एक का स्क्वायर दो का स्क्वायर, और मान रहे हैं हम बीच वाले को क्या मान रहे हैं, जो मिसिंग है उसको एक्स मान रहे हैं, तो एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू सिक्स आना चाहिए। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, वन ये हो गया टू का फोर, टू टू जो फोर, और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सिक्स, एक्स इज इक्वल टू क्या मिल गया, प्लस माइनस वन मिल जाएगा। ठीक, प्लस माइनस वन मिलेगा, तो
प्लस माइनस वन यहाँ से मिल जाएगा, एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर बराबर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन, तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस वन। और आइडेंटिटी का वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं होता है, इसलिए एक्स इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। ठीक, तो एक्स का वैल्यू अपने को क्या मिला, वन मिल गया। ठीक, एक वैल्यू मिल गया। दूसरा देखते हैं रूल नंबर, अब थ्री से चलते हैं। थ्री में क्या बोला गया, ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टीज। ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टीज से हम देखते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ए वन लेमडा जो मिसिंग है मैं उसको लेमडा ले रहा हूँ। तो इसके लिए हम करेंगे, जैसे कि एक बार मैं फिर से करेक्टर टेबल की तरफ चल रहा हूँ और क्या करते हैं देखते हैं। ऑर्थोगोनल के लिए यहाँ पर जो ऑपरेशन, पर्टिकुलर ऑपरेशन है उसका वैल्यू वन, यहाँ पर वन है और फिर यहाँ पर वन है और यहाँ पर जो मिसिंग करेक्टर है उसको, ठीक, ये तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस, जैसे कि वन वन और इसको मैं माना था एक्स जिसका वैल्यू मिला है अभी वन। ठीक, तो वन इंटू वन इंटू वन इंटू वन इंटू वन। ठीक, तो इस प्रकार से तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे फिर प्लस टू इंटू वन इंटू, इसको वाई माने थे वाई, प्लस थ्री इंटू वन इंटू जेड। ठीक, इस प्रकार से इसको मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे। ठीक, तो अपने पास इसका एक वैल्यू, एक इक्वेशन मिल जाएगा उसी पर। ठीक, उसी प्रकार से फिर हम इसका और इसका करेंगे। ठीक, तो इसका करेंगे तो क्या करेंगे, वन इंटू एक्स जो कि वन मिला है इंटू टू, फिर टू वाई और माइनस वन प्लस थ्री इंटू जेड इंटू जीरो। ठीक, इस प्रकार से अपने को करते हुए चलना है। फिर इसको क्या कर देंगे, हम जीरो के इक्वल कर देंगे, फिर रिजल्ट अपने सामने है, फिर अपने को आंसर मिल जाएगा। ठीक, तो वही कर रहा हूँ मैं। देखिए यहाँ पर वन इंटू वन इंटू वन जो कि एक्सस मिला है, फिर प्लस टू इंटू ये ऑपरेशन से वन और ये वाई, फिर थ्री इंटू वन इंटू जेड इज इक्वल टू कर देंगे हम क्या, जीरो। ठीक, वैसा ही फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन अपने को मिल जाएगा। फिर ठीक वैसा ही यहाँ पर सॉल्व कर लेना है, वन इंटू वन जो कि एक्स मिला है और टू, फिर टू इंटू वाई इंटू माइनस वन, थ्री इंटू जेड इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये वाले इक्वेशन से मिल जाएगा टू माइनस टू वाई इज इक्वल टू जीरो। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो y बराबर अपने को मिल जाएगा वन। ठीक, दूसरा वैल्यू अपने को मिल गया y का वैल्यू। फिर पहले इक्वेशन में यहाँ पर y का वैल्यू रख देंगे, y का वैल्यू कितना मिला, वन मिला वन। इसको ये वैल्यू को हम यहाँ पर इक्वेशन में रख देते हैं, इक्वेशन में रखेंगे वन प्लस टू वाई प्लस थ्री जेड इज इक्वल टू जीरो मिला था, y का वैल्यू वन रखते हैं तो थ्री जेड बराबर माइनस थ्री, मतलब जेड बराबर माइनस वन, मतलब तीनों का वैल्यू अपने को अब मिल चुका है। ठीक, कौन कौन सा मिला, एक मिला x के लिए वन, y के लिए वन और z के लिए माइनस वन, ये तीनों वैल्यू अपने को मिल चुका है। ठीक, तो इसमें देखते हैं, तो ये वैल्यू अपने को मिल गया, ये मिला यहाँ पर मिल गया वन, यहाँ पर मिला वन और यहाँ पर मिला माइनस वन। ठीक, ये तीनों वैल्यू मिल गया है। अब लेते हैं, यहाँ पर बोला गया है मूलिकन सिंबल आर एंड करेक्टर टेबल ऑफ मिसिंग रिप्रेजेंटेशन। तो इसके लिए मूलिकन सिंबल कैसे फाइंड आउट करना है, तो मूलिकन सिंबल के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो इसके लिए जो करेक्टर्स मिला है वन वन और माइनस वन, तो देखते हैं ये वैल्यू इस टाइप से था। मूलिकन सिंबल फाइंड आउट करने के लिए देखते हैं क्या मिलेगा, ई अपने को क्या बताता है, ई बताएगा यदि ई तो हमेशा सिमेट्री होता है, वन ही रहेगा तो ये ए या बी बताएगा, वन रहा तो, अगर टू रहता है तो क्या बताता है, वो डबली डिजनरेट ई को, ई के बारे में जानकारी देता है। तो यहाँ पर वन है तो या तो ए हो सकता है या तो बी हो सकता है। फिर उसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस पर चलते हैं, अगर इसमें सब्सिडरी एक्सिस भी हो, प्रेजेंट हो, तो प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में बात करेंगे और प्रिंसिपल एक्सिस अपने को ए है या बी है इसके बारे में जानकारी देगा, यदि सिमेट्री है तो ए, यदि एंटी सिमेट्री है तो बी। ठीक, अब यहाँ पर क्या है, अपने को मिला है वन मिला है तो वैल्यू अपना क्या होगा, ए मिल जाएगा। ठीक, उसके बाद सब्सिडरी एक्सिस हो तो वहाँ से देखना है, अगर सब्सिडरी एक्सिस नहीं है तो अपने को सिग्मा भी से देखना है, सिग्मा भी यदि सिमेट्री है तो वन, ये सबस्क्रिप्ट के बारे में बताएगा, जैसे कि ए वन लिखना है कि यहाँ पर टू लिखना है, बी वन लिखना है कि टू लिखना है, उसके बारे में जानकारी देगा कौन, सिग्मा भी या सब्सिडरी एक्सिस। तो सिमेट्री होगा तो वन लिखेंगे और एंटी सिमेट्री होगा, माइनस वन है तो फिर क्या
क्या लिखेंगे, दो लिखेंगे सबस्क्रिप्ट में, ठीक। तो यहाँ पर अपने को क्या मिला है, -1 मिला है, सिग्मा वी का वैल्यू यहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले वैल्यू इसमें क्या मिला है, ए मिला है, और दूसरे में क्या मिल गया, 2 मिल गया। तो इसका मूलिकन सिंबल क्या हो जाएगा, A2 हो जाएगा, ठीक। ऐसा ही सॉल्व कर लेना है। एक और प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को भी देख लेते हैं। ये प्रॉब्लम बोला गया है, अ पार्ट ऑफ करेक्टर टेबल ऑफ पॉइंट ग्रुप, इसके लिए ऑर्डर अपने को दिया गया है 4 गिवन बिलो, और बोला गया है इसके लिए कि 4 करेक्टर्स ऑफ λ4 आर रिस्पेक्टिवली। इसके लिए जो मिसिंग करेक्टर है ये वाला, इसको अपने को फाइंड आउट करना है क्या होगा। तो ठीक वैसा ही सॉल्व कर लेना है जैसा कि अभी सॉल्व किए, डिटेल्स अभी बताया ना, ठीक वैसा ही सॉल्व कर लेना है। रूल नंबर फर्स्ट क्या बोलता है, इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन स्पीसीज इज इक्वल टू क्लास, जो कि 4 यहाँ पर दिया गया है, उसके बारे में कोई टेंशन नहीं है अपने को। अब अपना स्टार्टिंग कहाँ से होता है, रूल नंबर 2, यहाँ पर जो आइडेंटिटी का करेक्टर्स है उस करेक्टर के स्क्वायर का योग क्या होना चाहिए, ऑर्डर के बराबर होना चाहिए। ऑर्डर यहाँ पर अपने को दिया गया है 4, ठीक, तो उसके 4 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, इसके लिए आप एक काम कीजिएगा, पहले ये जो यहाँ पर मिसिंग करेक्टर्स हैं ये वाला, इसको हम क्या कर लेते हैं, इसको P मान लेते हैं, इसको Q मान लेते हैं, इसको R मान लेते हैं, इसको S मान लेते हैं, आप कुछ भी एक XYZ जो भी मानना है मान लीजिए। मैं यहाँ पर P Q R S मान रहा हूँ और मान के चल रहा हूँ, ठीक। यहाँ पर भी मैं डिनोट कर दिया हूँ, P Q R S मान लेते हैं और मानते हुए चलते हैं। तो आइडेंटिटी वाले कॉलम में जो भी करेक्टर होगा इसके स्क्वायर का योग क्या होता है, ऑर्डर के बराबर होता है, जो कि 4 है, तो 1 1 1, और P का स्क्वायर, P माना हूँ बराबर 4, तो P का वैल्यू यहाँ पर +-1, जो कि आइडेंटिटी कभी निगेटिव नहीं हो सकता है, तो इसलिए P का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, ठीक। दूसरा ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टीज लगाते हैं, ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टीज लगाते हैं, तो दो करेक्टर्स इरिड्यूसिबल स्पीसीज का प्रोडक्ट बराबर क्या कर देते हैं, 0 कर देते हैं, ठीक। और एक यहाँ पर ये 3 वैल्यू दिख रहा होगा एक एक ब्रैकेट के अंदर, तो एक वैल्यू मैं कहाँ से लिया हूँ, ऑपरेशन से लिया हूँ, तो 1 × 1 × 1, जैसे कि λ3 और λ4 के बारे में बात करता हूँ, मैं एक बार हिंट कर देता हूँ फिर से, फिर आप λ3 और λ4 ना, तो यहाँ पर से एक वैल्यू लेना है, कहाँ से, यहाँ से, फिर यहाँ से, यहाँ से, प्लस यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, फिर प्लस ये वाला वैल्यू 1 -1, फिर PQR हो जाएगा 1 1, और S हो जाएगा, ठीक, बराबर 0, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये हो गया λ3 λ4 के बारे में। फिर इसे अगर वैल्यू अपने को पूरा का पूरा फाइंड आउट नहीं होता है, तो हम यहाँ से पकड़ लेते हैं फिर λ2 और λ4 को, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 1 1, और ये हो जाएगा P, जो भी वैल्यू आया होगा, प्लस यहाँ से, यहाँ से, -1, और यहाँ से। इस प्रकार से करते करते पूरा का पूरा करेक्टर टेबल को सॉल्व कर लेना है। ज़्यादा वक्त नहीं लगता है, ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं है, ये बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है। इस प्रकार से हम सॉल्व करते जाएंगे इसको, तो λ3 λ4 बराबर ये इक्वेशन मिलेगा, λ2 λ4 के लिए ये इक्वेशन मिल जाएगा, λ1 और λ4 के लिए ये वाला इक्वेशन मिल जाएगा। अब क्या करेंगे, आप जब इस प्रकार से इक्वेशन बहुत सारा मिल जाता है, तो दो दो इक्वेशन को आप कंपेयर करते हुए चलिए। जैसे कि यहाँ पर देखिए, मैं लिया हूँ यहाँ पर इक्वेशन 1 और 2 को लिया हूँ, तो उससे हम ये इक्वेशन जो भी मिला होगा उसको हम क्या कर देंगे, सीधा सीधा जोड़ देते हैं, दोनों इक्वेशन को जोड़ेंगे। जैसे कि ये वाला इक्वेशन जब जोड़ देते हैं, जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा, यहाँ पर 2 − 2 − 2 − 2 Q = 0, तो यहाँ पर से अपने को Q = क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, ठीक। ये इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को जोड़ दिए, तब उसी प्रकार से यदि आप इक्वेशन 2 और 3 को जोड़ दीजिएगा, इसको और इसको जोड़ दीजिएगा, सीधा सीधा जोड़ दीजिएगा, तो यहाँ पर से देखिए ये हो जाएगा 2, ये तो हो गया कैंसल आउट, और ये हो जाएगा 2R, और ये हो जाएगा कैंसल आउट, मतलब 2 + 2R = 0, तो R = क्या मिल जाएगा अपने को, -1 मिल जाएगा। इसी प्रकार से और सॉल्व कर लेते हैं। अब Q और R का वैल्यू मिल गया, PQR तीनों का वैल्यू मिल चुका है, तो यहाँ पर Q और R का वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं, तो S का वैल्यू भी मिल जाएगा, जो कि मिल जाएगा -1, ठीक। तो इस प्रकार से अपने को सॉल्व कर लेना है, बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है,
जितना प्रॉब्लम जितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड दिखता है उतना रहता नहीं है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, इजीली सॉल्व हो जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आशा करता हूँ कि वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल पर आप नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करने का फ़ायदा ये होता है कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो आपके मोबाइल स्क्रीन पर इंस्टेंटली ये पहुँच जाएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, प्रमोट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।